अस्सलाम वालेकुम। आरएम गार्डन में आज लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र आज हम अपने किचन वेस्ट से बनाएंगे। प्याज के छिलके जो हम ज़ाया कर देते हैं उनको ज़ाया मत किया करें, उन्हीं की फर्टिलाइज़र बनाना शेयर करूँगी। ये बारीक वाला छिलका जो प्याज का है इसकी फर्टिलाइज़र बेहतरीन बनती है। मोटे वाले छिलके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बारीक वाला छिलका जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये वाला छिलका इस्तेमाल करेंगे। अगर मोटे वाला छिलका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फर्टिलाइज़र अच्छी नहीं बनेगी। बारीक वाले छिलके से ही फर्टिलाइज़र बनती है और बेहतरीन फर्टिलाइज़र बनेगी और हमारे प्लांट्स को फ़ायदा भी पहुंचेगा। मोटे वाला छिलका जो है उल्टा हमारी फर्टिलाइज़र को ख़राब कर देगा, उसमें फंगस भी लग जाएगी और प्लांट्स को भी नुकसान पहुँचेगा। इसलिए सिर्फ बारीक वाले छिलके इकट्ठे करेंगे और उसी की फर्टिलाइज़र बनाएंगे। आप अपने किचन में जो प्याज होते हैं उनके छिलके इकट्ठे करते जाएं, महीने के बाद आपके पास काफ़ी सारे छिलके हो जाएंगे, उसी की फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं। अगर आपके पास छिलके नहीं हैं तो आप मार्केट से भी, सब्ज़ी वाली दुकान से भी छिलके ला सकते हैं और उसकी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो इस तरह बड़ा सा एक जार लिया है तो उसमें एक प्लेट भरी हुई जो छिलकों की है वो डाल देंगे। आसानी से आप इस तरह फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो पानी किस रेशियो से डालना है, जितने छिलके नज़र आ रहे हैं तो उसमें 2 से 2.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी कोशिश करें कि बारिश का पानी इस्तेमाल करें, अगर बारिश का पानी नहीं है तो एसी का पानी इस्तेमाल कर लें। अगर एसी का पानी भी नहीं है तो पानी जो टैप वाटर है उसको किसी बाल्टी में रख के कुछ दिन पड़ा रहने दें, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो टैप वाटर होता है उसमें क्लोरीन होती है, तो क्लोरीन जो है वो प्लांट्स के लिए बेहतर नहीं है। क्लोरीन वाला पानी जो है प्लांट्स को उल्टा ख़राब कर देता है। तो फर्टिलाइज़र में भी हम क्लोरीन वाला पानी डालेंगे तो फर्टिलाइज़र हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह इसमें पानी डाल देंगे, बारिश का पानी डालें या फिर एसी का पानी डालें या फिर पानी को रख दें 3-4 दिन के लिए ताकि क्लोरीन का असर ख़त्म हो जाए, तो वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 2.5 लीटर पानी डालेंगे, अंदाजे से ही पानी डालेंगे। तो जो हम प्याज के छिलके इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। उसमें आयरन भी है, पोटाशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, जो हमारे प्लांट्स के ऊपर फूल खिलते हैं तो फूलों को खूबसूरत बनाता है, फूल भी अच्छे खूबसूरत खिलते हैं, फूलों में खिलने में मदद साबित देता है, फल भी प्लांट्स पर ज़्यादा लगता है। तो यानी कि इस खाद के बेतहाशा फ़ायदे हैं। जो फूल होते हैं उनमें चमक भी बहुत ही खूबसूरत सी होती है। तो अच्छी तरह खाद को मिक्स कर लेंगे, जो हमने पत्ते डालने हैं पानी में उनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस तरह एक लिफाफा इसके ऊपर चढ़ा देंगे। लिफाफा चढ़ाने के बाद इसको किसी ऐसी जगह पर रख देंगे, छांव वाली जगह पर 3 दिन के लिए रख देंगे ताकि इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और फर्टिलाइज़र तैयार हो जाए। और इस फर्टिलाइज़र को किस तरह अप्लाई करना है 3 दिन के बाद इसको देखेंगे और खोलेंगे और किस तरह ये तैयार हो चुकी है, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस चक्कर की ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है। 3 दिन हो चुके हैं और खाद को खोल के देखते हैं, इसके ऊपर से लिफाफा हटाते हैं और चेक करते हैं कि कैसी तैयार हो चुकी है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, काफ़ी डार्क कलर का पानी हो चुका है। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, कलर इसका निकल चुका है, जितने भी प्याज के छिलके हैं उसका कलर निकल चुका है, जितनी गजाइत है इसमें वो सारी पानी में शामिल हो चुकी है। तो एक और जार लेंगे तो उसमें ये जो फर्टिलाइज़र है तो उसको किसी छाननी से छान के, जो भी आपके पास कपड़ा है छाननी है उसे छान के आप उसको निकाल लें। तो जो इसके छिलके बचेंगे उसमें दोबारा पानी डाल देंगे और उसको एक दफ़ा और इस्तेमाल करेंगे। बस 2 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरी दफ़ा आप इस्तेमाल ना करें, बल्कि इन छिलकों को आप जो ऑर्गेनिक खाद होती है फल वगैरह सब्जियों की जो आप छिलकों की बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह इसको छान लेंगे और उसको किस तरह अप्लाई करना है तो वो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। ये जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं ये हर किस्म के पौधों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास चमक पैदा करता है पौधों में प्याज के जो छिलके हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये प्लांट्स में खूबसूरती बढ़ाते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनमें चमक आ जाती है, फूलों में भी चमक आ जाती है, फूलों के जो कलर होते हैं बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं इस खाद के इस्तेमाल से। इस खाद को आप किसी बोतल में डालकर एयर टाइट बंद करके भी रख सकते हैं, कुछ अरसे तक आप इसको रख सकते हैं और जब आप महसूस करते हैं अपने प्लांट्स को देना तो आप दे सकते हैं।
बाकी छिलकों में भी पानी डालने के बाद एक दफ़ा और इस्तेमाल कर लेंगे, उसको भी उसी तरह पानी डालेंगे और उसके पहले फावा चढ़ा के किसी छांव वाली जगह पे रख देंगे, दरख्त के नीचे रख देंगे 3 दिन के लिए ताकि उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो। तो अब एक जार लेंगे, उसमें दोबारा इसको जो फर्टिलाइज़र है वो डाल देंगे, जो प्याज के छिलके डाले हैं उसको साइड पे रखते हैं। जो तैयार हो चुकी फर्टिलाइज़र है उसको किसी जार में डाल देंगे या बोतल में डाल दें। मैं इसको किसी बोतल में डालूंगी, कुछ प्लांट्स को दे दूंगी। गर्मियों में ये वाली फर्टिलाइज़र बेहतरीन होती है, आप इसका इस्तेमाल बेधड़क कर सकते हैं, आपके प्लांट्स भी खूबसूरत रहेंगे। वो ठंडी खाद है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचता, जैसे काउडंग और दूसरी खादें हैं वो नुकसान पहुँचा देती हैं शदीद गर्मी में, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब फ्लावरिंग का मौसम शुरू होता है तब आप ये वाली खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इसको इस्तेमाल करना है अब आपको इसका रेशो भी बता देती हूँ, उसी रेशो से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मैंने बोतल में इसको डाल दिया है और जो थोड़ी सी रख ली है तो उसका इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी खाद तैयार हो चुकी है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और आप इनको जो फूलों वाले प्लांट्स हैं उनको आप दें, सुबह के टाइम दें या शाम के टाइम दें। धूप के वक्त आपने ये खाद इस्तेमाल नहीं करनी, धूप के टाइम आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर उस तरह फ़ायदा नहीं हासिल होगा। तो सुबह सुबह आप गोडी करें और उसके बाद ये वाली फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो ये जो आपको नज़र आ रही है इतनी मैंने फर्टिलाइज़र ली है। तो एक बाल्टी लेंगे तो उसमें पानी डालेंगे और फिर ये फर्टिलाइज़र डालेंगे, उसमें किस रेशो से डालनी है वो आप नोट कर लीजिएगा, उसी रेशो से आप फिर फर्टिलाइज़र डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी। रेशो आप इसका नोट कर लें कि कितना पानी होना चाहिए और कितनी आपने फर्टिलाइज़र डालनी है। आपने 200 ml फर्टिलाइज़र डालनी है और 800 ml बारिश का पानी या फिर जो भी पानी अवेलेबल है आप डाल के इस रेशो से, यानी कि 1:4 के हिसाब से आपने फर्टिलाइज़र तैयार करनी है और पानी में मिक्स करने के बाद आपने प्लांट्स को देना है। यानी कि 1 ग्लास अगर फर्टिलाइज़र है तो आपने 4 ग्लास उसमें पानी शामिल करना है, तो वो आपकी फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी। इस तरह जो गाड़ी वाली है वो नहीं आपने यूज़ करनी, बल्कि आपने पानी मिक्स करके फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है। 4 ग्लास अगर आप पानी डाल रहे हैं तो उसमें 1 ग्लास आपने ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार की हुई है तो वो उसमें आपने शामिल करनी है। तो फिर आपकी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगी प्लांट्स को देने के लिए। तो प्लांट अगर छोटे गमले में है तो उसको आपने 1/2 ग्लास दे देने हैं, अगर 12 इंच का गमला है तो 1 ग्लास आपने उसको फर्टिलाइज़र डाल देनी है, जो लिक्विड तैयार की हुई है पानी और फर्टिलाइज़र मिक्स करके। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी इसमें 4 ग्लास डाल दिया है और 1 ग्लास इसमें फर्टिलाइज़र डाल दें, इसी रेशो से आपने तैयार करनी है। जो बोतल में डाल के रखी हुई है आप उसको रख सकते हैं कुछ अर्से के लिए, 1 महीना आप इसको रख सकते हैं और जब ज़रूरत महसूस हो 15 दिन के बाद आप अपने प्लांट्स को ये वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इसी रेशो से डालना है, 1 ग्लास आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र और 4 ग्लास आपने पानी लेने हैं और उनको मिक्स करना है। और गमले के हिसाब से आपने फर्टिलाइज़र डालनी है, छोटा गमला है तो 1/2 ग्लास डाल दें, बड़ा गमला है तो 1 ग्लास डाल दें। हर 15 दिन के बाद आप डाल सकते हैं, फूलों वाले प्लांट्स को भी दे सकते हैं, फल वाले प्लांट्स को भी दे सकते हैं, पत्तों वाले प्लांट्स को भी दे सकते हैं, हर किस्म के प्लांट्स को ये वाली फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, मगर स्प्रे आपने धूप में नहीं करना, आपने शाम के टाइम करना है। पत्तों के ऊपर स्प्रे करें, जब आप फूलों और पत्तों के ऊपर इसका स्प्रे करेंगे तो उनको भी एनर्जी मिलेगी और पत्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे, जैसे कि मनी प्लांट है और जो कुछ ऐसे पत्तों वाले प्लांट्स होते हैं, तो जब स्प्रे करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत से आपके प्लांट्स लगेंगे और चमक आ जाएगी, ख़ास किस्म की प्लांट्स में चमक पैदा हो जाएगी। अब आपको प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। बस इस तरह थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे, फूलों वाले प्लांट्स को भी देंगे और पत्तों वाले प्लांट्स को भी देंगे, हर किस्म के प्लांट को आप ये वाली फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। हर 15 दिन के बाद आप इस तरह प्लांट्स के ऊपर
फर्टिलाइज़र डालें और आपके प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और आपकी किसी किस्म की इस पर कास्ट भी नहीं आएगी। आप अपने किचन वेस्ट से ही बहुत ही आसानी से फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। आप ये फर्टिलाइज़र बनाएं और अपने प्लांट्स को दें और खूबसूरत बनाएं। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।